Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge, not wholly or in full measure, but very substantially. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. आज़ादी का मतलब हमारे सोच के आधार पर ये है कि जहाँ पर किसी भी जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे या महिला पुरुष होने के नाते किसी के साथ किसी तरह का भेदभाव ना हो, किसी के साथ हिंसा ना हो, उन्हें पढ़ाई की पर्याप्त मौके मिले। एक खुला आसमां और एक परिंदे जैसी जिंदगी मेरे लिए आज़ादी का मायने रखता है। देश तो आज़ाद हो गया, लेकिन हमें ये नहीं लगता है कि इस देश का नागरिक आज़ाद हुए। आज़ादी का मतलब हमें कुछ नहीं पता चल रहा है, तो कहने के लिए हमारा भारत आज़ाद है, लेकिन हम महिलाएं आज भी गुलाम हैं। अभी भी हमारे साथ वो आज़ादी आज़ादी नहीं है, हर बंधने हैं। आज़ादी केवल संविधान तक सिमट गई है, ये व्यवहार में लागू नहीं। भारत में आज़ादी मिलने के कारण मैं स्वतंत्र रूप से अपना शिक्षा ग्रहण कर रही हूँ। मैं अपना विचार कहीं भी अभिव्यक्त कर सकती हूँ। जिम्मेदारी है मेरे लिए, निर्णय लेने में मैं सक्षम हूँ। हम तो आज़ाद। सौ में 70 आदमी फिलहाल जब ना साथ है, दिल पे रख कर हाथ कहिए देश क्या आजाद है। हिंदुस्तान की आज़ादी देखकर ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान आज़ाद सिर्फ यहाँ के नेताओं के लिए हुआ है, आम जनता के लिए यहाँ कुछ भी नहीं है। आज़ादी मेरे जीवन का अधूरा सपना बनकर रह गया है। अशिक्षा, दरिद्रता, भ्रष्टाचारी, जातिवाद, क्या ऐसी ही आजादी की कल्पना किए थे हमारे पूर्वज? देश को आजाद हुए 68 साल है। पहले ही अगर गुलाम था तो अच्छे थे लोग, 68 साल में इतने आने से गुलाम से बुरे हो गए। हर इंसान को हर सुविधा नहीं मिल पा रही है, जो बड़े लोग हैं उनको ही सारी सुविधा मिल रही है, जो छोटे लोग हैं उनको नहीं मिल रही है। तो आज़ादी का मकसद हम कैसे समझे कि ये हमारा देश आज़ाद हो चुका है? यहाँ पर छुआछीत और भेदभाव के कारण हमारा समाज कहाँ आज़ाद दिखाई दे रहा है। हम आज़ाद नहीं, हम क्या पूरा हमारा दलित परिवार आज़ाद नहीं। कश्मीर में इस चीज़ को मनाना अभी तक ये थोड़ा इमैच्योर सा लगता है, और लोगों के एस्पिरेशंस को देखकर हम लोग शायद ही कभी मना पाएंगे इस तरीके से जिस तरीके से रेस्ट ऑफ इंडिया बाकी स्टेट्स में मनाया जाता है।